बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आपका मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A20s आपके पास है, A20s हो गया, A10 हो गया, A10, 20, 30, A10s, ये मतलब जो सारी सीरीज़ हैं A30s तक, A50 तक, कोई भी आपका अगर डिवाइस है सैमसंग इस मॉडल का, तो वो आप बाईपास कैसे कर सकते हैं जीमेल। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मसला क्या आता है हमें, कि जब हम ना मोबाइल को रिस्टोर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि इंटर यूअर गूगल। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मतलब कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क को, तो आपने भी वाईफाई कनेक्ट कर लेना है और वेट करने लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। सो ये मुझसे मांग रहा है कि आपका मोबाइल जो है रीसेट हो चुका है और जीमेल अकाउंट जो है एंटर करें। देखें, द डिवाइस वॉज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद द गूगल अकाउंट दैट वॉज प्रीवियसली सिंक ऑन दिस डिवाइस। तो जो रिस्टोरेशन से पहले हमने जो जी मेल अकाउंट इस मोबाइल में एंटर किया हुआ था वो हमसे मांग रहा है, लेकिन अभी अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे वो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। हम बैक जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है यहाँ पे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप आसानी से समझ जाएंगे। आपने करना क्या है कि आपने एक लॉक सिम लेनी है। लॉक सिम से मतलब ये है कि ये मोबाइल में जब हम इंटर करते हैं ना तो वो मांगता है पिन, तो ये वो इस सिम पे पिन लगा हुआ है ऑलरेडी से, वो जो 4 हिस्सों का पिन होता है ना वो इस पे लगा हुआ है। तो हमने करना क्या है कि जिस सिम पे पिन लगा हो वो मोबाइल में इस तरह से इंटर करेंगे। और पहले से मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने एक लॉक सिम इस मोबाइल में इंटर कर लिया है, लेकिन अभी मैंने पूरा इंटर नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखना है ना, तरीका सीखना है आपने, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी इसमें डाल लेता हूँ ताकि मैं सिम जल्दी से निकाल सकूँ। अभी मैं करूँगा क्या कि जैसे मैं सिम इंटर करूँगा ना तो मैं स्क्रीन पे टैप करूँगा बार बार, ताकि स्लीप ताकि मेरा जो ये स्क्रीन है ये स्लीप मोड में ना जाए। उसके बाद जब सिम का वो पासवर्ड आएगा, कि जो सिम का पासवर्ड लगा हुआ है सिम के ऊपर वो इंटर करने का जो ऑप्शन आएगा ना, मैं उसको उसी वक्त ये सिम बाहर वापस निकाल लूँगा। और जब आ जाएगा कि सिम कार्ड आपका निकल चुका है, तो वो ओके दबा के, जैसे मैं वो ओके दबाऊँगा ना, वहाँ पे आएगा वो एक लॉक का आपको निशान नज़र आएगा, तो आपने उसको क्लिक करके यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन आएगा ना उसको आपने क्लिक कर लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं करके भी दिखाऊँगा। तो इस तरह से करना है, फर्स्ट टाइम अगर ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से करना है आपने, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा, इसको आपने बाहर निकाल लेना है, ओके, और ये इस बार नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब ट्राई इसमें बहुत ज़्यादा आपने करनी है। और इसी तरह जब आपका ये आ जाए तो ये मतलब आपका आधा से आधा सिस्टम ओके हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन में आया और यहाँ पे मैंने सी आल करके ऊपर मोस्ट रिसेंट को मैंने आल कर दी, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आ गया गलत, यहाँ पे मैं नीचे आया यूट्यूब में, यूट्यूब में मैं आया ऐप इन ऐप नोटिफिकेशंस में, ठीक है, उसके बाद मैं आया हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में, और उसके बाद मैं आया यूट्यूब के टर्म्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया ना तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट दबाया, ठीक है। आपने फिर क्या करना है कि नो थैंक्स करके यहाँ पे ना आपने डाउनलोड कर लेना है एपेक्स लॉन्चर, APEX और L, ये आ जाएगा LU LA, अच्छा एपेक्स मैंने ठीक से नहीं लिखा, APEX लॉन्चर ही आ गया हमारे पास, तो हमने इसको डाउनलोड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है हमने। ठीक है, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है हमसे,
तो हम कंटिन्यू करेंगे अलाव, और इसके बाद डाउनलोडिंग शुरू हो जानी है। आपको दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अननोन सोर्स को ओपन करके इंस्टॉल। ये लाइट मुझसे ऑन हो गया था वहाँ पे सेटिंग्स में, तो ये मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका था, मैंने ओपन दबाया तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह का स्क्रीन। अभी वैसे आपको तो दिखेगा कि मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन इस वक्त ऑन नहीं हुआ, इसमें अभी भी बहुत कुछ रहता है। बाकी आसान है और इसमें मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। देखें, मोबाइल ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी हमने क्या करना है कि वो प्रीवियस वाला जो है ना, प्रीवियस वाली जो जीमेल इसमें स्टोर है, जो हमें याद नहीं है, उसको हमने करना है रिमूव। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम दो ऐप्स डाउनलोड करेंगे, और उसके जो डिस्क्रिप्शन के लिंक हैं वो मैं आपको दे दूंगा, जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहला वाला जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने करना क्या है कि जो मेरी जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से दो लिंक्स मिलेंगी जो कि मैंने सेव की रखी हुई हैं, इस तरह से दो। सबसे पहले आपने नंबर वन वाली पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है उसे, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है आपने। आपने मतलब लिंक्स पे क्लिक करना है, मैंने लिंक्स अपने साथ सेव किए हुए हैं, मैं इसको यहाँ से पहले वाले को कॉपी करूँगा, ठीक है, और फिर इसे क्रोम से डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से होता है पेस्ट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा सबसे पहले नंबर वन वाली लिंक को, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वेट करेंगे जब तक डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो गया तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला जो मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी डाउनलोड कर लेंगे आराम से। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी मैं कॉपी कर लूँगा और इसे मैं क्रोम से डाउनलोड कर लूँगा पेस्ट करके, ठीक है। और इस वाले को हमने जैसे इंस्टॉल कर लेना है तो इसको हम ओपन कर लेंगे डाउनलोड होने दे से, ठीक है। ये हो गया डाउनलोड, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसको ओपन कर लेना है हमने, इंस्टॉल और ओपन, ठीक है। तो जैसे हम ओपन करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला स्क्रीन। तो इसमें हमने करना क्या है कि ये जो तीन डॉट्स ऊपर बने हुए हैं इसको क्लिक करके ब्राउ ब्राउज इन साइन इन, तो ओके, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये वाला पेज हो जाएगा। तो इसमें हम कोई सा अपना कोई भी हो अपना जीमेल वैलिड, तो उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, कोई भी हो आपका। और इसका मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने पासवर्ड एंटर किया, तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा साइन इन। मतलब अभी कुछ भी नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे ख़त्म हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है,
और इंतज़ार करेंगे। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह से बहुत जल्दी आपको रिस्पांस करूंगा आपके कमेंट्स का। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपका काम हो गया हो। शुरू में जो हाँ हम मतलब सिम इंटर कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था, लेकिन मैंने सेकेंड ट्राई जब की तो वो पहले ही ट्राई में हो गया था। तो आप भी जितना ट्राई करेंगे तो आपको इतना आसान हो जाएगा। सो इसके आगे अभी मतलब कुछ नहीं है। रिस्टार्ट करने के बाद हमारे पास मोबाइल ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम सेटिंग से रिस्टोर करेंगे उसे और मोबाइल जो है ना वो नॉर्मली फंक्शन करेगा। सो मैं आपको फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके मैंने डाले हुए हैं इस FRP को ओपन करने के लिए, लेकिन आपको जिस तरह से मालूम है कि जितने मोबाइल मतलब न्यू आ रहे हैं उसी तरह से तरीके भी चेंज हो रहे हैं। सो ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और ये मैंने इससे पहले मैंने नोकिया वाले फ़ोन्स में मैंने ये देखा था कि मतलब लॉक सिम से वो ओपन होता है। सो वही मुझे याद था, सो उसी की तरीके से ट्राई किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह से ओपन हो गया है। सो देखें कह रहा है कि अकाउंट एडेड है आपका, तो नेक्स्ट, और इसी तरह से हमारा मोबाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे लेके जाना है हमने। नॉट नाउ, स्किप एनी वे, ऐप को तो मालूम है कि ये कितना टाइम लेता है। टर्न ऑन कर दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ओके, और इसके बाद मोबाइल ओपन। लेकिन रिस्टोरेशन ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं बता दिखाऊंगा आपको कि मसला क्या आएगा हमारे पास। ये ख़त्म होता है कि नहीं? नेक्स्ट, किधर गया? नेक्स्ट, स्किप स्किप फिनिश। ठीक है, तो अभी अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना जब मोबाइल ऑन हो जाएगा पूरी तरीके से, तो एक मसला आता है यहाँ पे। अभी अभी आएगा, क्रॉस सा बना हुआ आता है यहाँ पे। अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन आता है। अगर आपके वाले में आ रहा है तो यही वो मसला है। तो अगर आए या ना आए, लेकिन हमने मोबाइल को रिस्टोर करना ही है। ठीक है, तो रिस्टोरेशन के लिए हम आएंगे यहाँ पे अबाउट फ़ोन में। पता नहीं इसका रिस्टोरेशन कहाँ पे है। मैंने कभी, हाँ, फैक्ट्री डाटा रीसेट और रीसेट डिलीट ऑल, और इसी तरह से रीसेट हो जाएगा तो मोबाइल बिल्कुल फैक्ट्री फ्रेश हमें मिलेगा। सो यही थी वीडियो, आप मुझे देख सकते हैं सामने ब्लैक स्क्रीन में। यस, ये सो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।